खतरनाक मशीन है भाई, ट्रैक मशीन है, स्टॉप ना रहा, ओल्ड मॉडल। एक बार रैक कीजिए भैया, मास साउंड आ रहा है। हेलो गाइस, कैसे आप सब? वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज संडे है, मॉर्निंग को एक इवेंट था, मैं नहीं गया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फोक था, बाइक ड्राइव करने में प्रॉब्लम हो रहा था। तो दूल्हों को टोल प्लाजा पे था, मैं भी नहीं गया। तो अभी देखो, अभी हम यहाँ पे धानकुनी टोल प्लाजा के थोड़े पीछे हैं, तो अभी हम राइड करेंगे। मेरा एक फ्रेंड भी है जो जानते हो, बहुत वीडियो में है मेरे साथ। तो चलो भाई राइड करते हैं, अभी राइड करते, खतरनाक सा राइड होगा। तो चलो राइड को कंटिन्यू कर दें। अभी मैं पहले ग्लव्स पहन लूँगा भाई, भाई ने ग्लव्स नहीं पहना, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। तो सेफ्टी फर्स्ट भाई, पहले ग्लव्स। तो थोड़ा थोड़ा ठंड लग रहा है मुझे हुडी पहनने के बाद भी। जल्दी से ग्लव्स पहन लेते, हाथ में एकदम बर्फ़ जम जाएगा भाई। शाम का टाइम होने वाला है, 4 बज चुके हैं, सर्दी का टाइम है। अभी चलो चलते हैं। तो अभी राइड को कंटिन्यू करते हैं। पब्लिक प्लेस पे राइड कर रहा था, तो आज हाईवे पे राइड कर रहा हूँ। तो गाइस आप लोग जानते होंगे, कुलाहट के उस साइड मुझे पकड़ा था, चालान हो गया था। ऐसे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा जाकर देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का। तो ज़्यादातर कुलाहट पर मेरा ज़्यादा चालान हुआ है, इस साइड ज़्यादा चालान नहीं हुआ है। कोलाघाट की तरफ ही ज़्यादा चालान होता है क्योंकि वहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा है। इस तरफ वर्धमान का इलाका है, इसलिए थोड़ा खाली इलाका है एकदम। तो इस साइड उतना अपडेट नहीं है, इस साइड रोड कोलाघाट का रोड ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वहाँ पब्लिक ज़्यादा है इसलिए। पर यहाँ बहुत ही मज़ा आता है भाई, दोनों तरफ ही राइड करके मज़ा आता है, कि NH2 हो या NH6 हो, दोनों तरफ ही राइड करके मज़ा आता है। NH6 में कोलाघाट की तरफ NH6 में अलग ही फील आता है राइड करने का, कि मैं पब्लिक होती है, रिएक्शन मिलता है, छोटे बच्चे होते हैं रोड के बगल में, जो बहुत सारे सब्सक्राइबर है वो लोग खड़े रहते हैं। और NH2 में ज़्यादा लोग नहीं होते क्योंकि खाली इलाका है भाई, इसलिए ज़्यादा पब्लिक नहीं है, इसलिए इस साइड पुलिस भी ज़्यादा पकड़ती नहीं है, पुलिस होती ही नहीं इस साइड ज़्यादा। ओनली जो टोल प्लाजा है आगे, टोल प्लाजा में पुलिस रहती है। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है आज, सूरज भाई राइड कर रहे हैं बहुत दिनों बाद नहीं, 3 मंथ बाद राइड कर रहे हैं सूरज भाई। सूरज भाई बाहर चले गए थे, नहीं तो जो लोग कंटिन्यूसली मेरे वीडियो देखते हैं उन लोगों को पता होगा, सूरज भाई चले गए थे दुबई काम के लिए। तो सूरज भाई अभी आ चुके, तो राइड हो रहा है सूरज भाई के साथ 3 मंथ्स बाद। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है भाई के साथ राइड करके, तो आज बहुत ही मज़ा आएगा। अभी तो यहाँ पर देखो थोड़ा ट्रैफिक है, थोड़ा खाली मिलेगा तो खींचेंगे दोनों बंदे मिलकर, थोड़ा रील वगैरह भी शूट करेंगे आगे जाके, क्योंकि सर्दी का टाइम है, बहुत जल्दी धूप चला जाता है, जल्दी से शूट करना पड़ेगा। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, 4:30 बज ही चुके हैं भाई, और हमको कम से कम 30 किलोमीटर अभी आगे जाना है। तो ज़्यादा देर नहीं करूँगा, कुछ रील वगैरह शूट करना है तो जल्दी से कर लूँगा, अंधेरा हो जाएगा फिर रील शूट नहीं होगा। तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है इस साइड हो भाई, अब तो खींचने का मौका मिला है थोड़ा, बहुत ही ज़्यादा विंड नॉइस। अरे भाई पुल आ गया यहाँ पे, थोड़ा ख़राब है इसलिए मैंने बाइक स्लो किया भाई, पूरा एकदम छलांग लगाते हुए जा रहा हूँ। बहुत सारे गड्ढे है भाई यहाँ पे, NH6 में कोलाघाट के उस साइड है, इस जैसा रोड नहीं है उस साइड, रोड बहुत ही कोलाघाट के उस साइड एकदम चकाचक रोड पे, एक भी गड्ढे नहीं है भाई उस रोड पे, पूरा रोड जो है हाईवे पे एक भी गड्ढे नहीं है। पर इस साइड NH2 में रोड थोड़ा ख़राब है क्योंकि पब्लिक कम है, इसलिए सरकार रोड पे काम नहीं करती है, ये
यहाँ का प्रॉब्लम है भाई, रोड अच्छा नहीं है, थोड़ी देर जाओगे गड्ढे आ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा भाई। तो अभी हम सामने गाइस रुकेंगे गाइस, बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी और कुछ खाना भी है गाइस, बाइक को तो खिला दिया, अभी खुद को खाना है भाई, पेट एकदम खाली हो चुका है। तो अभी कुछ खाने का टाइम है, यहाँ पे रुकेंगे। ये देखो पुलिस की कार, यहाँ पे भी चेकिंग चल दी गया। अभी 5,500 का चालान दिया भाई, और मत दे, मर जाऊँगा भाई। कितना ज़्यादा भीड़ है भाई यहाँ पे आज। ये देखो यामा की और एक खतरनाक मशीन R3। बहुत ही मस्त लग रही है। दादा साउंड एक तो सुनो, साउंड ट्विन सिलेंडर R3। तो साउंड देखो बहुत ही मस्त साउंड है R3 का। ओ भाई L9 2 अलग ही साउंड है भाई, यामा का इंजन स्मूथ है। एक बार रैक कीजिए भैया, मस्त साउंड आ रहा है। 300 सेगमेंट में बेस्ट बाइक यही है भैया। मैंने चूज़ किया था बेंटली 300, पर साउंड है पर पावर नहीं है बाइक, एकदम खींचती नहीं है बाइक। पर R3 चलाने का मज़ा ही अलग है, यामा का इंजन ही अलग है भाई। थैंक यू भैया। तो बहुत ही मज़ा है R3 का साउंड, खतरनाक साउंड आ रहा है। तो बहुत ही मस्त लग रहा है भाई दोनों बाइक, ये हमारी V4 खतरनाक लग रही है भाई। बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ, थोड़ा कुछ पीने का मन कर रहा है, अंदर जाके कुछ पियेंगे, चाय वगैरह कुछ। खुला दो, এখান থেকে নিয়ে নাও। এটা দিয়ে চলো, এই সানটা ইভেন্ট ছিল না ওই টোল প্লাজায়? আচ্ছা আচ্ছা, গিয়েছিলেন? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ফিয়ার গ্রুপের এটা র্যাপিং করিয়েছে তো, মনে গ্রিল আছে। ওটা না না ওই ওটা কার্বন ফাইবারের লাগিয়েছে, র্যাপিংটা ভালো করিয়েছে, এটা কার্বন র্যাপ আছে ভাই। আমি S1000 আরা দেখো खतरनाक लग रही है, 1000 RR। तो फियर ग्रुप का बाइक है, खतरनाक मशीन है भाई, ट्रैक मशीन है, 1000 RR ओल्ड मॉडल, एकदम ज़बरदस्त बाइक है भाई। चेक करो भाई बाइक को, खतरनाक लग रही है एकदम से, ये भी ठीक है, खतरनाक मशीन लग रही है एकदम। ओडी उड़ीसा रजिस्ट्रेशन VIP ना, किंतु उड़ीसा रजिस्ट्रेशन। चलो तो अभी गाइस यहाँ से चलते हैं, बहुत ही बाइक यहाँ पे आ रही है, अभी हम तो जा रहे हैं। ए भीतर दिए जावे ना, वेटा दिए जावे। तो ये देखो भाई V4 यहाँ पे खड़ी है, तो अभी निकलते हैं भाई, बाइक निकल रहा है। तो शाम का टाइम है गाइस, अंधेरा हो चुका है भाई, जल्दी से निकलते हैं।
अरे भाई क्या हालत है यहाँ पे। ये देखो सूरज भाई कैसे खींच रहे भाई, एकदम हाइपर खींच रहे। अभी जस्ट निकले हैं, सूरज भाई खींचने लग गए भाई। मिरर ठीक करने पड़ेंगे भाई, मिरर जो है थोड़ा घूम गया था। तो सूरज भाई देखो कितने आगे निकल गए भाई, बहुत हाइपर खींच रहे सूरज भाई, खतरनाक हाइपर रस हो रहा है। मुझे खींचने का मौका मिला है, जो भी बोलो भाई, शाम के टाइम में, अंधेरे के टाइम में राइड करने का अलग मज़ा है और एकदम मॉर्निंग के टाइम राइड करने का अलग मज़ा है भाई। तो मेरे भाई में एग्जॉस्ट नहीं है, सूरज भाई भी बोल रहे थे कि भाई एग्जॉस्ट की ओनली कमी है, एग्जॉस्ट लगा लो फुल कंप्लीट हो जाएगा बाइक, तो ओनली एग्जॉस्ट लगाना बाकी है, वैसे बाइक तो फुल कंप्लीट है। तो भाई ज़्यादा हाइपर रश कर रहा हूँ तो शीशे जो है हिल रहे हैं भाई, लगा दिए शीशे अब अच्छे से, टच हो जाएगा भाई। यहाँ देखो जाम है, इसलिए मैंने पहले ही जो मिरर है ऑफ कर लिए भाई, टच हो जाएगा भाई। पहले से मैं जानता था यहाँ कुछ होगा, इसलिए मैंने पहले से ही ऑफ कर लिया, टच हो जाएंगे भाई शीशे, स्क्रैच आ जाएंगे न्यू बाइक पे। तो अभी चलते हैं भाई, साइड मिल जाए तो अच्छा होगा। यह एक बार कट लगा दूँ तो चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा।